ये क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि नहीं, दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का वर्ग 324 दिया गया है, जबकि दी गई संख्याओं का गुणनफल कितना है, 144 है। आपको बोला गया है कि संख्याओं के वर्गों का घनात्मक अंतर आपको बताना है। अब जैसे ही आपको ये नंबर्स आपको दिखाई दे, तो कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ पर। आपको बोला गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए इंटू बी 144 आना चाहिए। 144 कब आएगा? या तो 12 गुना 12 करना पड़ेगा, 18 गुना 6 करना पड़ेगा, 18 गुना 8 करना पड़ेगा, 24 गुना 6 करना पड़ेगा, 36 गुना 4 करना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे भी जाएंगे, पर हम यहाँ से अभी देखते हैं। आप हमें ये बताओ कि क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर का वर्ग, इसका अंतर 0 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, इसका अंतर 10 आ रहा है, वर्ग करेंगे 100 आएगा, ये भी नहीं होगा, इसका अंतर कितना आएगा आपका 18 आएगा, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 324। तो ये नंबर हो सकता है 24 गुना 6 होना चाहिए, यानी कि हमें बोला गया है कि दी गई संख्याओं के वर्गों का घनात्मक अंतर, यानी 24 और 6 संख्या होगी, यानी कि 24 और 6 संख्या होगी। 24 के स्क्वायर कितना होता है, 576, और माइनस का 36 करना है, यही करना है, 0 हो जाएगा कितना, 45, ये हो जाएगा 5। तो 540 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस देखिए, आपको नंबर मालूम होने चाहिए, जैसे आपको 144 दिया था, आपको फैक्टर तुरंत आना चाहिए कि हम क्या क्या एड मल्टीप्लाई करेंगे, तेजी आएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे कर सकते हो, पर उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। आप इसको क्या कर सकते थे कि ए माइनस बी का बोला गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 324। अगर मैं इसका स्क्वायर करता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 324 होता। अब ए बी की वैल्यू क्या है, 144 है, यहाँ पर 2 ए बी होगा, सॉरी, 2 × 144 होता, ये हो जाएगा 3 × 2 = 4। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 2, यानी +288 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये चीज़ें लंबी जाती, 8 × 4 = 12, 8 × 2 = 10, 11 × 3 = 5 = 6, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कितना आएगा, 612 आ गया। और फिर अगेन यहाँ पर वही नंबर आपको ढूंढना पड़ता है जिसको ऐड करके 612 आए। ठीक है, तो आपको ऐसे करने के अलावा आपको ये नंबर्स पर काम करना होगा।